नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जलगांव के बाजू में एक जो खेत है वहीं पे हम आए हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इस खेत में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी कि जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन रहती है उसको एक बाजू में तो आप सब लाइन को जोड़ते हैं और दूसरे बाजू में क्या करना, यह बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यह सवाल आता था। तो उसके लिए क्या मतलब हमारे यहाँ के किसान भाई जुगाड़ करते हैं या आप भी वह जुगाड़ कर पाएंगे क्या, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और यह जो जुगाड़ है बिल्कुल बिना पैसों का है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है मानिए आपका, आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, आपको ड्रिप के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो उधर उन्होंने सब लाइन डाली हुई है और उधर से ड्रिप इधर लाके यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने उसको क्या प्रावधान किया है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और यह बहुत ज़रूरी होती है, क्यों, क्योंकि मानिए आपने यह चीज़ नहीं की तो बाद में हवा या कोई आदमी के पेड़ में अटक जाती है या कुत्ते जो रहते हैं वो अगर खेत में मस्ती करते हैं तो वो सब आपकी नली ख़राब कर देते हैं। जो फसल के पास आपने नली लगवाई थी वो इधर उधर हो जाती है और आपके फसल को पानी नहीं मिलता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में यही चीज़ के ऊपर हम समझ लेंगे। आप देख सकते हो यह एक खेत है, यह खेत में किसान भाई ने उधर के तरफ सब लाइन लगवाई है और इधर एंड कैप लगवाई है ड्रिप को। तो इसको हमारे मराठी भाषा में बोलते हैं खुट्टी मारना। यह एक ट्विस्ट भरा वर्ड है। जब कभी कोई आदमी किसी के प्रगति में रोड़ा बनता है तब भी यही वाक्य प्रचार उपयोग होता है कि यार उसने मेरे काम में खुट्टी मार दी। तो वही चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, कि उधर अगर पीवीसी पाइप को लगाई और इधर आपने लकड़ी का डंडा लेके उसको जमीन में मार दिया और उसको अगर इस तरीके से, जैसे अभी आप कैमरा में देख रहे, इस तरीके से अगर आपने ड्रिप बांध दी तो क्या हो जाता है कि आपकी ड्रिप जगह से हिलती नहीं है और आपके फसल के पास ही पानी गिरता है, जिसके वजह से खरपतवार वगैरह का प्रॉब्लम्स आपको कम हो जाता है, पानी की बचत होती है, फसल अच्छी होती है। तो आप भी आपके तरफ इसी तरीके का जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब लकड़ी का ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ये इतनी बड़ी चाहिए, इतनी मोटी चाहिए, इतना चाहिए, वैसा चाहिए। ये सिर्फ एक मतलब आपकी नली पकड़ के रखने के लिए रहता है। तो इसको आखिरी में इस्तेमाल करना रहता है। मान लीजिए आपकी सब लाइन, अभी यह खेत में सब लाइन एक बाजू में किसान भाई की, लेकिन मान लीजिए दोनों बाजू में, हालांकि इनकी सब लाइन भी दोनों बाजू में, लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने सिर्फ एक बाजू में ही फसल लगवाई है, दूसरे बाजू में अभी उनका फसल लगी नहीं है, या पहले जहां पे जो वेजिटेबल थी वो निकल गई है, उधर जो छूटा हुआ क्षेत्र है वहां पे उन्होंने भिंडी लगवाई थी तो वो निकल गई है, इसके लिए उधर अभी ड्रिप आपको नहीं दिख रही, लेकिन इनकी जो सब लाइन है वो बीच में ही है।